रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्य प्रधान हैं, उनमें एक रैदास जी हैं। और रैदास जी कौन हैं? रैदास जी साक्षात धर्मराज का अवतार है। भगवान के परिकर अवतार लेते हैं, धर्मराज का अवतार है। जैसे मीराबाई जी के पूर्व जन्म की कथा है, ऐसे रैदास जी की भी है। रैदास जी पूर्व जन्म में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के यहां ही एक ब्रह्मचारी के रूप में सेवा करते थे। ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक के रूप में सेवा करते थे। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी काशी में विराजते थे। उनका नियम था कि वो ब्राह्मणों के घर से आटे की भिक्षा करते थे, किसी के हाथ का बना हुआ नहीं पाते थे। अनेक संतों का ये नियम होता है, तो ब्राह्मणों के घर से आटे की भिक्षा करते थे और वो ब्रह्मचारी या कभी स्वयं स्वामी जी भोग बना के ठाकुर जी को अर्पण करके पाते थे। लेकिन काशी में एक वैश्य की दुकान थी किराने के सामान की। वो वैश्य उन ब्रह्मचारी को जब वो भिक्षा लेने के लिए जाते थे तो प्राय रोक लेते थे और कहते थे, सुनो पंडित जी, कहिए आटा ले जाओ, दाल ले जाओ, घी ले जाओ, बूरा ले जाओ, मेवा ले जाओ। पर वो ब्रह्मचारी मना कर देता था, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी केवल वेद पाठ ही त्रिसंध्या करने वाले जो ब्राह्मण हैं उन्हीं के घर से आटे की भिक्षा लानी है और कहीं से नहीं लेनी। तो वो बार बार उस वैश्य को मना कर देते थे। एक बार जब ब्रह्मचारी जी चले, बहुत तेज वर्षा हो रही थी, तो वर्षा से बचने के लिए उस वैश्य दुकानदार की दुकान की छाया में खड़े हो गए। अब फिर उस वैश्य ने कहना प्रारंभ किया, अरे पंडित जी, अब तो बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे, भूखे रहना पड़ेगा। आटा ले लीजिए, दाल ले लीजिए, कच्चा सामान तो दे रहा हूं, घी ले लीजिए, मेवा ले लीजिए, अब नहीं जा पाएंगे, ले जाइए। एक तो बारिश हो रही थी, दूसरा जरूरत भी थी सामान की, अब सामने वाला इतना आग्रह कर रहा है। तो उन ब्रह्मचारी ने अपने गुरु रामानंदाचार्य जी की आज्ञा का उल्लंघन करके उस वैश्य से कच्चा सामान ले लिया। ले आए, गुरु जी को पता नहीं, रसोई बनाई। रसोई बना के जब ठाकुर जी को भोग लगने लगा तो जगतगुरु रामानंदाचार्य जी शालिग्राम भगवान को भोग लगाते थे तो प्रकट होके ठाकुर जी आरोगते थे भावना में। पर आज जब गुरु जी भोग धरे तो ठाकुर जी आए नहीं। तब स्वामी जी विचार किए कि ठाकुर जी नहीं पधारे आज, भोग स्वीकार नहीं किए, क्या बात है। तब उनको लगा शायद अन्न में दोष है कोई, ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं किए। तो आवाज लगाई, ब्रह्मचारी, वो तुरंत भागे, बेटा कहां से भिक्षा लाए हो। तब हाथ जोड़ के सब बता दिया, गुरुजी ऐसी ऐसी स्थिति थी और वो जो वैश्य दुकानदार है उसने मुझे ये भिक्षा दी। स्वामी जी सोचने लगे कि वैश्य का अन्न तो निषेध नहीं है, वैश्य का धन तो धार्मिक कार्यों में प्राय खर्च होता है, तो ठाकुर जी स्मरण में क्यों नहीं आ रहे। तब गुरुजी ध्यान किए तो उन्हें भेद पता चल गया कि उस वैश्य ने सामान नहीं दिया है। काशी में एक रघु चर्मकार नाम के चतुर्थ वर्ण के एक व्यक्ति रहते थे, रघु नाम था उनका। उनके यहां कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत जगह पूछा, किसी ने उनको बताया कि यदि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की तुम कोई सेवा कर पाओ, तुम्हारा दिया अन्न गुरु जी के प्रसाद में पहुंच जाए, तो जिस दोष के कारण तुमको संतान नहीं हो रही वो निवृत्त हो जाएगा और संतान हो जाएगी। तो वो जो रघु चर्मकार था, अब सीधे तो गुरु जी को सामान देने से रहा, वो लेंगे नहीं, तो उसने वैश्य को कहा,
कि जो गुरु जी के यहाँ से भिक्षा मांगने ब्रह्मचारी जाता है उसको तुम किसी तरह सीधा सामान दे दो, दुगने पैसे दे दूंगा। वो रघु चर्मकार खूब धनवान थे, दुगने पैसे दे दूंगा पर सामान पहुंचवा दो। गुरुजी ने बैठे बैठे इस सारे रहस्य को जान लिया। वैश्य का अन्न निषेध नहीं, पर वो रघु चर्मकार अगर वैष्णव हो तो उसका अन्न भी निषेध नहीं। अगर वैष्णव हो, शबरी जी चतुर्थ वर्ण की हैं पर वैष्णव हैं तो भगवान भोग लगाते हैं। लेकिन वो रघु चर्मकार न तो वैष्णव है, न भक्त है, न साधक है। उसने तो अपनी ग्रह बाधा शांति के लिए, अपने किसी टोटके को पूरा करने के लिए मुझे सामान भिजवाया। इतनी बात पर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी नाराज हो गए और उस ब्रह्मचारी को श्राप दिया। तो चर्मकार का अन्न लेके आया है, अब तू चर्मकार ही बन। तब वही ब्रह्मचारी रघु चर्मकार के यहां उत्पन्न हुए, क्योंकि गुरु जी ने विचार किया कि उस अब रघु का अन्न तो ठाकुर जी को भोग लग गया, अब उसने इस श्रद्धा से भोजन कराया है कि गुरु जी को कराने पे पुत्र का जन्म होगा, अन्न होगा तो उसकी श्रद्धा टूटेगी। अब गुरु जी तो त्रिकालज्ञ साक्षात श्री राम है, रघु चर्मकार का भाग्य विचारे तो बोले 7 जन्म पुत्र नहीं इसके, तो अब पुत्र कहां से लाऊं। तो ब्रह्मचारी को श्राप दे करके रघु चर्मकार के यहां जन्म करवा। ये समर्थ पुरुष की सामर्थ्य होती है। तो वही ब्रह्मचारी जो जगत गुरु जी के शिष्य थे वो उन रघु चर्मकार के यहां उनका जन्म हुआ और यही पुत्र रविदास जी कहलाए। इनको रविदास जी भी कहते हैं और रविदास जी भी कहते हैं। कब जन्म हुआ? विक्रमी संवत 1371 में। कब? माघ की पूर्णिमा को। पिता का नाम रघु चर्मकार, माता जी का नाम था घुब्बिनिया, उनके यहां जन्म हुआ। लेकिन जन्म हुआ पर पूर्व जन्म के भजन का फल क्या है? देखिए, अपराध करने पर यदि भक्त को भी वैसा दंड मिलता है और संसारी को भी वैसा दंड मिलता है तो भक्ति का लाभ क्या हुआ? भक्ति का लाभ यह होता है कि भक्त यदि किसी पतित कर्म के कारण गिरता है तो भगवान उसको बार बार संभालते हैं। बाकी जो जीव हैं वो तो अपने कर्म फल के चक्र में घूमते ही रहते हैं, ये किया ये किया ये उसी चक्र में। पर जो वैष्णव है, जो आश्रित है, उसको भगवान बार बार संभालते हैं। गुरु शरणागति का फल क्या है? हमने गुरु शरणागति की और भजन में लग गए। 100 मील का रास्ता था, इस जन्म में केवल 5 मील चल पाए, तो पूरा तो अभी किया नहीं, बहुत बाकी है। लाभ क्या होगा? यदि भजन करते रहे लगातार, अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म मनुष्य शरीर मिलता रहेगा, ये सबसे बड़ी कृपा है। अब पशु योनि में नहीं जाएंगे, नहीं तो भगवान का विधान क्या है कि एक जन्म यदि हमने बिगाड़ लिया मनुष्य का तो अब तुरंत अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। पहले तो नरक में जाके जो पाप हैं वो संतुलित होंगे और उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में एक बार चक्कर लगाना पड़ेगा और फिर 84 लाख योनी के बाद एक बार मनुष्य बनाया जाएगा और फिर अवसर दिया जाएगा और फिर भजन मार्ग में नहीं लगे तो फिर वही परिणाम, पहले नरक में जाकर के पाप बैलेंस होंगे और फिर 84 लाख योनी में चक्कर। लेकिन भगवत शरणागत हो गए, गुरु शरणागत हो गए, साधन में लग गए तो क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो नरक नहीं जाएंगे और दूसरा 84 के चक्र में नहीं गिरेंगे। साधना तो करनी पड़ेगी। अच्छा, गलती की तो क्या होगा? गलती की तो दंड मिलेगा पर वो दंड नरक की यातना के रूप में नहीं मिलेगा, शारीरिक व्याधि के रूप में मिलेगा, धन की हानि के रूप में मिलेगा
या समाज में तिरस्कार के रूप में मिलेगा या अन्य किसी शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्ट के द्वारा मिलेगा, पर वो जो भयंकर नरक की यातना है उससे बच जाएंगे और जो 84 लाख योनियों की यातना है उससे बच जाएंगे। लगातार प्रभु हमको मनुष्य देह देते रहेंगे। कब तक देते रहेंगे? जब तक हम वो पूरा रास्ता तय नहीं कर लेते। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो गुरु जी की सेवा की ये ब्राह्मण शरीर से अब अपराध हुआ, अगले जन्म में चर्मकार के जन्म हुआ, लेकिन फल क्या है? चर्मकार के यहां जन्म हुआ लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति है। अब मां बाप ने बहुत खुशी मनाई कि मेरे घर ऐसा बालक हुआ, पुत्र हो गया, लेकिन रैदास जी ने जन्म लेके अपनी मां का दूध नहीं पिया। क्यों? पिछले जन्म की स्मृति है। मन में सोचते हैं एक बार इनके यहां का अन्न खा लिया तो ब्राह्मण से और इस घर में आ गया, अब की बार और कुछ खा लिया तो पता नहीं क्या गति होगी। तो दूध नहीं पिया। तब रघु और उनकी पत्नी बहुत घबराए, बच्चा दूध नहीं पीता, इतने दिनों बाद संतान हुई, क्या करें? तब श्री रामानंदाचार्य भगवान को प्रेरणा हुई। अब वो जान गए कि वो ब्रह्मचारी अब उनके घर पैदा हो गया। तब गुरु लोग तो संभाला करते हैं, तब गुरु जी अपनी कुटिया को छोड़कर और उस चर्मकारों की बस्ती में गए जो चमड़े का काम करते थे। और चर्मकार की बस्ती लोग तो देख के धन्य हो गए, गुरु जी तो कभी किसी के दृष्टिपात नहीं करते थे। चर्मकार की बस्ती में सीधा रघु के घर गए और जैसे रघु ने देखा, अरे घर पे पधारे, दंडवत प्रणाम किए, दूर से गोबर का चौका लगा के आसन लगा दिया गुरु जी के लिए, चरण धुलाए, पति पत्नी ने बिठाया। गुरुजी ने कहा, वो बालक कहाँ? बालक को ले आए, लाओ दो मुझे। और कहा रघुजी ने, गुरुजी आपकी कृपा से पुत्र हो गया पर दूध नहीं पीता, ये कैसे जिएगा छोटा सा बच्चा? गुरुजी ने कहा, मंत्र सुना के जाऊंगा तब दूध पिएगा, मुझे अकेले में छोड़ो, अकेले में मंत्र काम करेगा। माता पिता को किनारे कर दिए, रैदास जी को गोद में लिए। तब छोटे से रैदास जी बोलने लगे और गुरु जी को कहे, गुरु जी अपराध हो गया। तो गुरु जी ने कहा कि अब क्यों नहीं दूध पीता, अब जन्म लिया माँ का दूध तो पी। बोले, पहली बात तो ये कि मेरी माँ वैष्णव नहीं है और वैष्णव का अन्न नहीं, अवैष्णव का अन्न लिया, इसी कारण तो मुझे गिरना पड़ गया, नहीं उस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती, एक जन्म का फेर और पड़ गया, और मैं भी वैष्णव नहीं हूं तो अब मैं कैसे खाऊं पीऊं। तब गुरु जी को करुणा हो गई और पहले तो गोद में लेकर रैदास जी महाराज को दीक्षा दी और फिर उन रघु और उनकी धर्म पत्नी घुब्बिनिया को बुला करके मंत्र दीक्षा प्रदान की। और फिर जब उनकी माता जी ने रैदास जी को गोद में लिया, तब रैदास जी ने अपनी माता जी का दूध पिया। बहुत अद्भुत चरित्र है। पूरा चरित्र तो रैदास जी का नहीं कह पाएंगे, पर जितना कहना जरूरी है मीरा जी से मिलाने के लिए उतना जरूर कहेंगे। तो रैदास जी का लालन पालन हुआ, बहुत दिव्य रूप में हुआ, घर में धन की कमी नहीं थी, पर श्री रैदास जी जन्मजात भक्त थे। धीरे धीरे बड़े हुए, राम राम रटते थे गुरु जी कृपा से। पिताजी के पास बहुत धन था, उनको कहीं चाबी मिल गई पिताजी की तिजोरी की, चुपचाप जाते, चाबी उठाते, तिजोरी खोलते, जितना कुछ हाथ में भरते जेब में भर लेते। तो क्या करते? काशी में गंगा तट पे चले जाते, किसी साधु पे कमंडल नहीं तो कमंडल दिला रहे, किसी पे आसन नहीं, छाता नहीं, वस्त्र नहीं, भोजन नहीं। माँ उनकी देखती मुट्ठियों में भर के क्या ले जाता है, वो सोचती मिठाई मेवा बतासे ले जाता होगा, पर एक दिन देखा तो वो तो मोहरे भरी हुई थी। लेकिन अपने पति के डर से कुछ कहा नहीं, समझा देती थी, बेटा इतना नहीं। एक दिन तो पिताजी को खबर लग गई,
अब ये संसार का प्रेम ऐसे ही होता है। रैदास जी उस समय 12-14 बरस के रहे होंगे, पिताजी को खबर लग गई, पकड़ लिया रैदास, क्या कर रहा है? बोले, पिताजी इतने धन का क्या करोगे, मैं अकेली तो संतान हूं तुम्हारी, छाती पे रख के ले जाओगे क्या? इस धन की सदगति यही है कि इसको संत सेवा, नाम सेवा, गौ सेवा, धाम सेवा, दीनों की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगाया जाए। अब वो कहां भगत थे, वो तो नकली भगत थे, वो तो उतने दिन के लिए भगत बने थे जितने दिन तक बेटा नहीं था उनके। अब बेटा मिल गया तो भक्ति से क्या काम। अब तो रैदास जी को बहुत डांटा फटकारा और कहा, जब खुद कमाई करना सीखे तब संत सेवा करना, बाप के माल पे ही संत सेवा करेगा। रैदास जी माने नहीं, तो 15 बरस की आयु में रैदास जी को घर से बाहर निकाल। ये जगत का प्रेम है, जिस बेटे के लिए इतना प्रयास किया, अब वो बेटा मन के अनुकूल नहीं हुआ तो बुरा हो गया, निकाल दिए, कोई बात नहीं। पर रैदास जी की माता जी ने छोटी अवस्था में रैदास जी का विवाह कर दिया था, रैदास जी ग्रस्त हैं। लेकिन माता पिता ने तो ये सोचा था, विवाह हो गया शायद बुद्धि सुधर जाए इसकी, घर गृहस्थी के चक्कर में कुछ कमाने धमाने की सोचे। पर ठाकुर जी ने भक्त लोगों की चिंता वो स्वयं ही करते हैं। रैदास जी की धर्म पत्नी आई, वो उनसे भी आगे। अगर रैदास जी 19 तो उनकी धर्म पत्नी 21, खूब भजन में उनका साथ देने वाली। जब घर से निकाला तब उनकी पत्नी भी साथ थी। रैदास जी ने कहा, बताओ अब तो पिताजी निकाल दिए, अपने पीहर जाना चाहो तो चली जाओ। बोले, नहीं महाराज, मेरे पिता तो कन्यादान कर चुके, बापी के साथ रहूंगी। बोले, रहने को घर नहीं? बोले, जहां रहोगे वहां रह लूंगी। तब रैदास जी महाराज काशी के बाजार के चौराहे पर चटाई बिछाकर बैठ गए। अब सोचे कि जीविका निर्वाह के लिए कोई साधन तो चाहिए, तो और तो कुछ जानते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पर पिता के यहाँ जूता बनाने का काम होता था तो जूता बनाना जानते थे। तो वहीं पर चादर बिछा लिए बैठ गए और जूता गांठने का काम किए, जिसको मोची का कार्य कहते, उस मोची का काम किए। जूता बनाते नहीं थे, चूंकि बनाने के लिए तो सामान चाहिए, तो जूता को सिलने का काम करते थे। अब काशी में तो कितने लोग निकलते थे, तो लोग धीरे धीरे जूता बनवाने लग गए। लेकिन उसमें भी नियम, अगर कोई साधु है, वैष्णव है, तो उसके जूता गांठने का पैसा नहीं लेते थे, और लोगों से जो देते थे 1-2 पैसा लेते थे, बाकी संतों से नहीं लेते थे। जूता गांठने लगे और वो जो शाम तक पैसे आ जाते थे, फिर उससे कच्चा सामान लाते थे, फिर उससे रसोई बनाती थी उनकी धर्मपत्नी, फिर ठाकुर जी को भोग लगाते थे, और उसके पश्चात जो भी कोई साधु वैष्णव दिखता था उसको पवाते थे, और फिर दोनों पति पत्नी बैठ के पाते थे। ऐसी रहनी श्री रैदास जी महाराज की थी। धीरे धीरे करके समय बीता। अब ठाकुर जी को अपने भक्त का कष्ट देखा न जाए, संत लोग आते थे जूता गठवाने। एक दिन तो ठाकुर जी ही संत का वेश बनाकर आ गए और पहुंचे। अरे रैदास जी, हमारा जूता चलते चलते घिस गया है, पूरे भारत की यात्रा पे जाना है, जूता सिल दीजिए। अब वो जूते का जो तला था वो बिल्कुल ही गायब था। तब रैदास जी बढ़िया से जूता बना दिए और फिर उन महात्मा, वो भगवान ही महात्मा बन के आए थे, उनको पहना दिए। तब उन संत भगवान ने कहा, अब बताइए क्या चाहिए, कितने पैसे? बोले, महाराज हम संतों से पैसा नहीं लेते। अरे कैसे नहीं लोगे? लोगे। भगवान एक असरफी की थैली लेके आए थे, वो देने लगे। रैदास जी ने कहा, राम राम, महात्माओं से नहीं लूंगा मैं। अरे भाई, मेरे पास पैसे हैं, मुझे यात्रा में जाना है, लुटपिट जाने का डर है, रख लो। नहीं महाराज,
मैं नहीं लूंगा, मेरा नियम है। भगवान ने बहुत का नहीं माने। तब भगवान एक पारस भी लेके आए थे, मन में सोचने लगे कि शायद धन न ले पारस ले ले, तो पारस निकाले झोले से और रैदास जी को कहा ये पारस रख लो। रैदास जी ने कहा ये क्या है? बोले पारस नहीं जानते? और नहीं जानते। बोले लोहे को छुआओगे सोना बन जाएगा, ये पारस रख लो। रैदास जी ने कहा महाराज मुझे नहीं चाहिए, ले जाइए। भगवान को लगा शायद इसको भरोसा नहीं हो रहा कि ये पारस ही है, तो मोची लोगों के पास जो जूता ठोकने का एक होता है ना, उसको रापी बोलते हैं, लोहे की रापी होती है जिसमें जूता फंसा के वो ठोकते हैं हथौड़ी से, तो वो संत भगवान उस पारस को रापी से छुआ दिए तो वो पूरी रापी सोने की बन गई। अब तो रैदास जी को लगा तो सही में पारस है। भगवान बोले रख लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं रखेंगे। ठाकुर जी को लगा शायद सामने लेने से संकोच कर रहे हो, पीछे लोहा छुआ के सोना बना ले। तब रैदास जी को कहा हमेशा के लिए नहीं दे रहा, अभी यात्रा पे जा रहा हूं ना, खोने का डर है, अभी तुम रख लो, एक बरस बाद आऊंगा तब ले लूंगा। ये कह के पारस दे गए, भगवान चले गए। रैदास जी ने तो छुआ भी नहीं। उन संत वेशधारी भगवान को कहा वो मेरा छप्पर, उस छप्पर में ही लगा जा। बोले ठीक है। ठाकुर जी छप्पर में रख गए और चले गए, लेकिन रैदास जी ने तो उस पारस की तरफ देखा भी नहीं। एक बरस बाद भगवान फिर आए संत का वेश बना के। अब तो जरूर रैदास की झोंपड़ी की जगह महल खड़ा हो गया होगा, अब तो जरूर वो बहुत धनवान हो गया होगा। फिर आए तो फिर देखा वही चौराहे पे बैठ जूता गांठ रहे। रैदास जी को आकर भगवान ने कहा अरे भगत जी वो मेरा पारस कहाँ है, कुछ उपयोग नहीं किया? रैदास जी ने कहा हाँ हाँ आप पारस दे के गए थे, कहाँ है? बोले मुझे तो ध्यान नहीं, जहां छप्पर में खोस के गए होंगे वहीं रखा होगा। भगवान भीतर पधारे तो देखे जहां छप्पर में खोस के गए थे वहीं रखा। भगवान बोले हे राम अब क्या करूं, मैं तो कुछ ग्रहण नहीं करता। भगवान हार के चले गए। फिर प्रभु ने एक लीला और की। रैदास जी शालिग्राम जी की सेवा करते थे प्रतिदिन, वो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के दिए हुए थे। अब एक खेल और होने लगा। रैदास जी जब सवेरे सेवा के लिए जाते तो शालिग्राम जी के पास 5 सोने की मोहर मिलती। रैदास जी ने अपनी पत्नी को कहा ये कहां से आई? उनकी पत्नी ने कहा मैं तो कहीं से नहीं लाई, और रात को शालिग्राम जी को सेन कराया था, मोहर जाने कहां से आ गई। रैदास जी तो इतना घबराते बोले चिमटा लेके आ, और रसोई से चिमटा लाई, जैसे कोई मरा चूहा उठाए ऐसे 5 मोहरों को उठाए और चिमटा सहित 5 मोहरों को गंगा जी में फेंका। अब पूरे घर में गैया के गोबर का पोता लगाया। फिर शालिग्राम जी की सेवा की। अगले दिन फिर मोहर प्रकट हो गई शालिग्राम जी से। रैदास जी तो अपनी पत्नी से बोले अरे देवी कैसा समय आ गया, कैसा कलयुग आ गया। क्यों? बोले जो माया से बचाने वाले थे वही माया में डुबा रहे हैं। कैसे? बोले वो संत आए थे वो तो पारस दे रहे हैं, और ये ठाकुर मुझे सोने की मोहर दे रहे हैं, तब क्या करूं? तब घुबनिया से कहा, अपनी पत्नी से कहा मैं तो सोचता हूं इन शालिग्राम जी को भी गंगा जी में पधराया, रोज रोज की आफत कटे, रोज मोहर निकलती है, कभी किसी दिन मोहरों में आसक्ति हो गई तो भजन छूट जाएगा। और जब ठाकुर जी को लेके गंगा जी में डालने को चले सो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रैदास चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और रैदास जी से कहा अरे मुझे एक बार तो जीत जाने दे, एक बार तो मेरे से हार जा मेरे बाप, पारस लेके जो आया था वो मैं ही था,
ये रोज शालिग्राम से जो मोहरे निकल रही है वो मेरी कारीगरी है। रैदास जी ने कहा, ठाकुर तुम ऐसा करते क्या हो? बोले, तुम्हारे घर में अभाव मुझसे देखा नहीं जाता, तुम पूरे दिन धूम में बैठ करके जूता सिलते हो, मुझे तकलीफ होती है, तो मैं दे रहा हूं, लेने में कोई बात नहीं। रैदास जी ने कहा, प्रभु माया बड़ी विचित्र है, आप मुझे निर्धन क्यों मानते हो? मैं आपके नाम से धनवान हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं जूता गांठने में, और जूता गांठता हूं तो तमाम संतों का दर्शन हो जाता है, वैष्णवों का ब्राह्मणों का दर्शन हो जाता है, कोई भाव नहीं। लेकिन अब की बार भगवान नहीं माना, भगवान ने कहा, अब तुम्हारी इतनी बात मान ली, अब तुमको हमारी बात माननी होगी। ठीक है, तब ठाकुर जी ने कहा, अब मैं तुम्हारी रहने की, भोजन की, आय की सब व्यवस्था करूंगा। रैदास जी ने कहा, ठीक है, अब आपकी जो इच्छा। तब ठाकुर जी एक सेठ के वेश में सबसे पहले तो काशी के एक बड़े अच्छे स्थान पर एक भूमि रैदास जी के लिए ली, उस भूमि में महल बनवा दिए और खूब धन अन्न की सबकी व्यवस्था कर दी। रैदास जी से कहा, चलो अब उस बड़े घर में चल के रहो, अन्न धन की व्यवस्था। रैदास जी ने कहा, प्रभु उस घर में संत निवास बनवाया कि नहीं बनवाया? बोले, वो तो नहीं बनवाया। बोले, जब तक संत निवास नहीं होगा, जब तक घर में गाय नहीं होगी, अतिथियों के सत्कार की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, ठीक, तब संत निवास बनवाए, गैया की सेवा की व्यवस्था की। तब श्री रैदास जी गए। एक और शर्त है प्रभु, भगवान ने कहा, बताओ, मैं भले इस महल में रहूं पर जूता गांठने का काम नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, हो गया काम, तो इतना बड़ा महल बनवा दिए, सब व्यवस्था कर दिए, कहे जूता गांठने का काम नहीं। अरे प्रभु, आपको पता नहीं, संतों की जब जूती बनाता हूं तो कितना आनंद आता है। मुझे तो लगता है कि अपने शरीर की चमड़ी को उतार के संतों की जूती बना। तुलसीदास जी का दोहा है बंधुओं, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है तुलसीदास जी का, सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुखन ते धोके हूं निक से राम। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कहते हैं, जिसके मुख से धोके से भी राम नाम निकले तो क्या करूं? तुलसी जाके मुखन ते धोके हूं निक से राम। क्या करेंगे? ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। जिसके मुंह से एक बार राम नाम निकलता है, हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, उसके पैरों की जूती बनाने के लिए तुलसीदास अपने शरीर की चमड़ी देने को तैयार। ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। ये बात रैदास जी ने भी कही। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा, पर रहो यहां। तब तो रैदास जी उस भवन में रहने लगे, खूब संत सेवा करते। लेकिन इस बात से जो काशी के ब्राह्मण लोग थे वो बहुत नाराज हो गए रैदास जी से, और कहने लगे, अरे रैदास, ये इतना धन तेरे पास कहां से आया? रैदास जी ने कहा, सब प्रभु की कृपा, मेरा कुछ नहीं है। तू रोज रोज संतों को बुलाकर जिमाता है, खिलाता है, अरे काशी के ब्राह्मणों ने क्या पाप किया है? हम ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता तू? रैदास जी ने कहा, महाराज, मैं तो आपको इसलिए नहीं बुलाता, आप ब्राह्मण और मैं चर्मकार, अब मेरे घर आप क्यों आएंगे और मेरे घर का आप कैसे पाएंगे? तो मैं तो इसलिए नहीं बुलाता, यदि आप स्वीकार करने को तैयार तो बड़े भाग। लेकिन ब्राह्मण लोग तो बिगड़ गए,
उन्होंने काम तारी तेरी सारी संपत्ति जब्त करवाएंगे, कुड़की करवाएंगे, राजा को शिकायत करेंगे। सारे ब्राह्मण लोग काशी के राजा पर पहुंच गए। राजा ने देखा सारे ब्राह्मण एकत्र होके आए, क्या बात है। इन ब्राह्मणों ने कहा महाराज अंधेर नगरी चौपट राजा, काशी नगरी में बहुत अंधेर हो रहा है। कैसे? बोले वो रैदास नाम का मोची रात रात में अचानक लखपति करोड़पति हो गया है, पाप से उसने धन कमाया है, कहीं चोरी की होगी, और भजन कीर्तन करता है, कथा कहता है, सत्संग कहता है। किस शास्त्र में लिखा है कि चौथे वर्ण के व्यक्ति को सत्संग करने का अधिकार है, तो आप उसको बुला के दंडित करो। राजा ने कहा ठीक है, सैनिकों को भेजा, हरिदास जी रैदास जी को बुलाया गया। राजा ने कहा कहो रैदास जी ये ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, ये इतना धन आपके पास कहां से आया, और आप भजन कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो, ऊंचे पे बैठते हो, ये तो ब्राह्मणों के काम हैं, आप तो चतुर्थ वर्ण में जन्म लिया है, आपके लिए तो उचित नहीं है। रैदास जी ने कहा देखो राजन, रामायण कहती हैं कि कह रघुपत सुन भामिनी बाता मानव एक भक्ति कर नाता। भक्ति करने में सबका अधिकार है, भक्ति के लिए कोई वर्ण व्यवस्था की जरूरत नहीं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। तो भजन करने में किसी के लिए रोक नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा झूठ बोलता है, इसको भजन करने का अधिकार नहीं। रैदास जी ने कहा आप कैसे स्वीकार करोगे, अरे जब मेरे ठाकुर राजी और ठाकुर का पुजारी राजी तो आप लोग के पेट में क्यों दर्द हो रहा। ब्राह्मणों ने कहा कैसे माने कि तेरे हाथ का भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। बोले आप बताओ कैसे मानोगे। तब ब्राह्मणों ने शर्त रखी राजा के आगे, महाराज ठाकुर जी को बीच सिंहासन पर विराजमान किया जाए, एक और ये बैठेगा और इसके साथी बैठेंगे, एक और हम बैठेंगे, ठाकुर जी को आह्वान किया जाएगा, जिसकी ओर ठाकुर जी के श्री विग्रह का सिंहासन मुड़ जाएगा, भगवान जिसकी ओर को आएंगे उसकी बात सच्ची मानी जाएगी। ब्राह्मणों ने कहा भगवान इस शर्मकार के क्यों जाने लगे, हमारे आएंगे। रैदास जी ने कहा मुझे यह चुनौती स्वीकार है। अच्छा हमारे सामने बोलता है, कैसे स्वीकार है। बोले मुझे स्वीकार है, अरे ये काम राम जी ने भी किया था, शबरी जी के आसपास जिन महात्माओं के आश्रम थे सब सोचते थे राम जी हमारे आएंगे, हम फलाहारी हैं जलाहारी हैं, हमने बड़े बड़े अनुष्ठान किए पर राम जी किसी की कुटिया पे न गए, देखा तक नहीं, कहां गए, शबरी की कुटिया पर गए, तो वो ठाकुर इस बार भी मेरी लाज रखेंगे। तब बंधुओं राज दरबार में प्रतियोगिता हुई, शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया और पहले ब्राह्मणों को अवसर दिया गया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन श्री सुक्त बोलने प्रारंभ किए, बड़े बड़ी श्रुतियों का उच्चारण किया पर कुछ असर ना हुआ। बहुत देर हो गई, सुबह से संध्या हो गई। तब राजा ने रैदास जी से कहा अब आपकी बारी है। रैदास जी ने कहा महाराज मुझे कोई श्लोक तो आते नहीं, श्री सूक्त याद नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, तो ठीक है आप अपने तरीके से बुलाओ। बंधुओं उस समय रैदास जी ने यह कीर्तन किया, ब्राह्मण लोग बुला के हार गए, अब के रैदास जी की बारी है। रैदास जी ने अपना तानपुरा उठाया, रैदास जी तानपुरा बजा के कीर्तन करते थे, करताल बजा के कीर्तन करते थे, तानपुरा संभाले। रैदास जी गाने लगे, हम भी उनके पीछे पीछे दोहराएं, हे हरि आवहु बे
हमारे सुता के जैसे आए द्रुपद सुता के क्यों डूबत गजराज उबारे क्यों डूबत गजराज उबारे हे हरिया बहु बेगी हमारे पतित की पतरा को रे दास पतित की सुनिए दशरथ राज दुलारे सुनिए दशरथ राज दुलारे सुनिए नंद बाबा के प्यारे सुनिए नंद बाबा के प्यारे वर्णन है जब श्री रैदास जी ये कीर्तन किए हे हरि आवउ बेग हमारे जैसे आए द्रुपद सुदा के जैसे डूबत गज को उबारे ज्यों प्रहलाद हे तु नरसिंह है बीच सभा में खंबा फारे पथ राखो रैदास पतित की सुनिए दशरथ राज दुलारे उसी समय शालिग्राम भगवान का सिंहासन सरकने लगे और बंधुओं सरकते सरकते शालिग्राम भगवान सिंहासन समेत रैदास जी की गोद में आ गए। जय जयकार हो गई। राजा तो देखता रह गया और उस समय रैदास जी को अपने सिंहासन पर राजा ने बिठाया पर चरणों की पूजा की। महाराज मैं तो इन अभिमानी ब्राह्मणों की बात में आ गया, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया। राजा ने क्षमा मांगी। अब उन ब्राह्मणों ने किया तो उल्टे के लिए था, जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करें सब कोई, उल्टा हो गया। तब उन ब्राह्मणों ने कहा भले इसमें भक्ति है पर ये ब्राह्मण तो नहीं है ना, जो काम ब्राह्मण कर सकता है वो काम ये नहीं कर सकता।
रैदास जी ने कहा, देखो ब्राह्मणों में वो काम कर भी नहीं रहा, मैं किसी के यहाँ कर्म कांड कराने नहीं जा रहा, मैं किसी की पत्री नहीं बांच रहा, आप भजन पर भी विरोध करते हो और यदि आप ब्राह्मण बार बार ब्राह्मण होने का मुझको उल्हाना देते हो तो सुन लो ब्राह्मणों, मैं पिछले 7 जन्म से ब्राह्मण होता आ रहा हूं, केवल पिछले जन्म में गुरु के प्रति कुछ अपराध हो गया तो मेरा चरम कारकुल में जन्म हुआ। झूठ बोलते हो, हम कैसे माने? रैदास जी ने कहा, कैसे भरोसा होगा, प्रमाण दो। अद्भुत घटना घटी बंधुओं, अद्भुत घटना। उस समय श्री रैदास जी महाराज ने कटार लेके अपना सीना चीरा और अपनी छाती काट के भीतर से सोने का जनेऊ निकाल के दिखाया। सोने का यज्ञोपवीत निकाल के दिखाया, और जब सोने का यज्ञोपवीत निकाल के दिखाया तब तो सब, फिर कुछ कहने की संभावना नहीं रही। ऐसे हैं रैदास जी, चरित्र तो बहुत बड़ा है, अद्भुत है रैदास जी। एक बात और कह के फिर मीराबाई जी की ओर चलेंगे। रैदास जी महाराज की एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, आपने भी सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत कहां से चली है? ये रैदास जी से ही चली है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती उसको कहते हैं जिसमें रैदास जी अपना, चूंकि जूता सिलते थे ना तो सूखा चमड़ा लेके आते थे, कोई ये ना समझे कि किसी पशु को मार के, ये काम नहीं होता था प्राचीन भारत में। जो मृत पशु होते थे उनका चमड़ा प्रयोग में आता था, उसको सुखाया जाता था, फिर उसका काम होता था। तो रैदास जी का एक कठौता, चूंकि वो जूता बनाते थे तो पास में एक बड़ा पात्र रहता था, उसको कठौता कहते थे, उसमें पानी रहता था, उसमें चमड़ा भिगोए रहते थे ताकि जूता बनाने में सुविधा हो। एक पंडित जी रैदास जी महाराज से अपना जूता सिलवाते थे और रैदास जी वहीं बैठते थे जो गंगा जी जाने का रास्ता था, ताकि बार बार संतों का दर्शन होता रहे। वो पंडित जी कहते थे रैदास, अरे रैदास जी गंगा जी स्नान करने को चलो ना। रैदास जी कह देते, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे ये तो तुम बात टालने को कह देते हो। एक दिन तो पुण्य पर्व था, सोमवती अमावस्या थी। पंडित जी ने बहुत कहा, रैदास जी दूर दूर से दुनिया नहाने आ रही है गंगा जी और आप पास में रहते स्नान को नहीं जाते। रैदास जी ने कहा, देखो पंडित जी मैं स्नान को जाता हूं, लेकिन ऐसे समय पर जाता हूं जब तट पे ब्राह्मण लोग ना हो, कोई पूजा पाठ ना कर रहा हो, क्योंकि आप जानते हो मेरा जन्म चौथे वर्ण में हुआ है और मेरे जाने से किसी को कष्ट हो वो काम ठीक नहीं। पुण्य पर्व पे स्नान क्यों नहीं करते? पुण्य पर्व पे इसलिए नहीं करता, तमाम संत महंत ऋषि मुनि आते हैं और मैं तो पापी हूं, छू जाऊंगा तो अपराध होगा। ये दीनता है श्री रैदास जी के मन की। पंडित जी बार बार कहते ये सब बात झूठी बनाते हो आप, अरे इतना पुण्य पर्व है गंगा जी स्नान कर आओ। रैदास जी हंस के कह देते, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक दिन तो पंडित जी बहुत पीछे पड़े, तब रैदास जी ने कहा, देखो आप तो प्रतिदिन राजा की ओर से गंगा जी का पूजन और स्नान करने जाते हो ना। बोले हाँ, तभी तो तुमसे मिलता हूं। ऐसा है, आज जाओगे ना, पुण्य पर्व है, ये रहे 2 केले, जब राजा की पूजा कर लो तो मेरे नाम से भी 2 केले गंगा मैया को चढ़ा देना। पंडित जी ने कहा, ठीक, नहीं जा रहे तो ये काम तो कर देंगे, आप रोज हमारा जूता ठीक करते हो, साफ करते हो उसको। पंडित जी गए, वो रोज राजा की ओर से पूजा करते थे, खूब गंगा मैया की पूजा की, स्तुति किए, फिर याद आया आखिर में रैदास ने भी 2 केला दिए तो उसके केला भी चढ़ा दो। तो पंडित जी उपेक्षा पूर्वक उन 2 केलों को गंगा जी में फेंकने लगे। जैसे गंगा जी में 2 केला चढ़ाए, क्या हुआ, राजा की पूजा स्वीकार करने को तो गंगा जी कभी प्रकट नहीं हुई, पर जैसे रैदास जी के केला फेंके उसी समय गंगा जी से हाथ निकल आया बाहर।
और पंडित जी को कहा संभल के, हाथ निकल आया और तुरंत गंगा मैया ने वो हाथ में केले ले लिए और फिर वो हाथ अदृश्य हो गया। पंडित जी तो देखते रहे, हे राम कैसा चमत्कार, हमारी तो जिंदगी बीत गई पुरुषोक्त पाठ करते करते, गंगा मैया ने दर्शन नहीं दिए, अब दो केला रहे दास के चढ़ाए तो गंगा मैया। थोड़ी देर बाद फिर गंगा मैया से हाथ निकला, दिव्य हाथ, सुंदर मेहंदी लगी है, चूड़ियां पहरी हैं, गंगा माँ ने पुनः वो हाथ प्रकट हुआ, सोने का कंगन अब की बार गंगा माँ ने उन पंडित जी को दिया और कहा, पंडित जी ये कंगन रैदास जी को दे देना और कहना गंगा माँ ने उनके भेंट को, केले को स्वीकार कर लिया। अब पंडित जी हाथ में कंगन लिए, अब उन्होंने तो कभी ऐसा दिव्य कंगन देखा नहीं था, मन में सोचने लगे कि रैदास को थोड़ो पता है कि गंगा माँ ने कंगन दिया है, और उन्होंने कहा भी नहीं था कि गंगा माँ भी कोई प्रसाद देगी, अब ये कंगन मिला है तो रैदास को क्यों बताया जाए, इसको क्यों ना अपने पास रखा जाए, अरे जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, हीरे का कंगन है। पंडित जी लेके चले, काशी के बाजार में पहुंच गए एक जौहरी के यहाँ, झोले से कंगन निकाला, भैया इस कंगन के जो पैसे हो मुझे दे दो, मैं कंगन बेचना चाहता हूँ। जो जौहरी ने कंगन देखा आंख खुली की खुली रह गई, बोले महाराज मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा, सात पीढ़ी से सुनार का काम करते आ रहे हैं पर मेरे बाप दादाओं ने भी ऐसा कंगन नहीं देखा, और आप कहते हो कीमत लगा दो, पूरे काशी के सर्राफ लोग इकट्ठे हो जाएं तब इस कंगन की कीमत नहीं दे सकते। अरे कोई बात नहीं, जितना देना हो दे दो, हम कम में भी काम चला लेंगे। अरे लाए कहां से हो, अरे किसी जजमान ने दिया है, ये बात छोड़ो पर कीमत लगाओ। उस दुकानदार ने कहा पंडित जी कीमत तो नहीं लगा सकता मैं, पर हाँ इस समय मेरे पास कुल पूंजी 1,000 रुपया है, वो आपको दे सकता हूं। अब पंडित जी ने कहा देखे तो 1,000 रुपए, उस जमाने की बात, देओ भैया हमको। 1,000 रुपए लिए, पंडित जी चुप आ गए। अब उस जौहरी ने उस कंगन को रख लिया। एक दिन उस जौहरी के यहां एक नगर सेठ की पत्नी पहुंची, हमको कंगन बनवाने हैं, जो भी तुम्हारे पास कंगन हो दिखाओ। अब उस जौहरी के यहां वो गंगा मैया का कंगन देख लिया, अब तो सेठानी दीवानी हो गई, मुझे यही कंगन चाहिए। जौहरी ने कहा ठीक है ले लो, दूसरा कहां है, बोले है एक ही, तो ऐसा दूसरा बना दो। बोले बस की बात नहीं मेरे, एक से काम चलता हो तो ले जा। इतना सुंदर कंगन, नगर सेठ की पत्नी ने कहा कितने का है, बोले 2,000 रुपया का है। ठीक है, सेठानी खरीद लाई, अब कंगन पहनती थी, चलो एक हाथ सही। वो नगर सेठ की पत्नी राजा के रानी की सहेली थी, अब माता बहन आभूषण पहने और चार लोग देख के ये ना कहें कहां से लाए, कितना सुंदर, तो पहनने का कोई लाभ नहीं। तब वो सेठानी उस कंगन को पहन के सीधा राजमहल पहुंची, अब रानी से कंगन घुमा घुमा बात करे। रानी ने कहा अरे ऐसा कंगन कहां से लेके आई, अरे पूछो मत, मेरे सेठ जी बहुत दूर से कंगन मंगवाए हैं। रानी का मन आ गया, अरे तू मेरी बहन है कंगन दे मुझे, एक ही कंगन है, एक ही कंगन है, चलो मैं अपने राजा साहब से कह के ऐसा दूसरा, मुझे एक तो दे, कितने का है, 5,000 रुपए में लाई हूं। वो रानी को 5,000 रुपए में दे दिया, रानी ने ले लिया, पर कंगन एक था। अब कंगन कर्ण फूल ऐसे आभूषण है कि दो से शोभा होती है, एक से तो होगी नहीं। रानी ने वो कंगन राजा को दिखाया, महाराज ये कंगन देखो बहुत सुंदर कंगन है पर है एक, जौहरियों को बुलवाओ, ऐसा कंगन दूसरा और चाहिए तब शोभा बनेगी। राजा ने पूरी काशी के सर्राफों को बुला लिया,
जो देखे सोई कान पकड़े। महाराज हमारे बस की बात नहीं, ये कंगन तो लगता है किसी की दैवीय रचना है, ये मनुष्य की रचना नहीं लगता। राजा ने कहा उस सेठानी से ही पूछो सहेली से कहां से लाई थी। रानी ने हट किया, सेठानी को बुलाया, बहन तू कहां से लाई थी। अरे मैं तो फला जौहरी से लाई थी। राजा ने उस फला जौहरी को बुलाया, अरे जब तुमने एक कंगन बनाया तो दूसरा क्यों नहीं बना सकते। बेचारा जौहरी तो कांपने लगा, बोले माई बाप मैंने इसको नहीं बनाया, तो कहां से लिया, मुझे तो कोई बेच गया था। कौन बेच गया था, बोले फला पंडित जी बेच गए थे। राजा ने जब पंडित जी का नाम सुना बोले पंडित जी इस कंगन को पहचानते हो क्या। पंडित जी तो घबरा गए, हे भगवान इस कंगन की कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई। हाँ महाराज, अरे हमारी रानी ने सेठानी से लिया, सेठानी ने जौहरी से लिया, जौहरी से जांच पड़ताल हुई, बताया आप बेच के आए थे, आपके पास कंगन कहां से आया। अरे अरे महाराज ये तो पुराना रखा है, मेरी दादी का था, पर दादी का था, पता नहीं किस किस का था, क्या क्या बोलने लगा। अब पंडित जी सुनो, कंगन हमेशा कम से कम दो होते हैं या चार होते हैं, तो एक कंगन तो है, दूसरा और होगा, अब दूसरा और लेके आओ। पंडित जी ने कहा नहीं महाराज दूसरा खो गया। झूठ बोल रहे हो, पैसा जितना चाहिए मिल जाएगा, कंगन लेके आओ, और न लेके आए तो नौकरी से छुट्टी और दंड अलग मिलेगा। अब तो पंडित जी बुरे फंसे, क्या करें। अब बिचारों ने अन्न जल छोड़ दिया, कंगन लाए कहां से, और कंगन न दे तो राजा दंडित करेगा। तब आखिर में रैदास जी के पास ही पहुंचे। रैदास जी ने कहा पंडित जी क्या बात, इतने दिन से आप नहीं आ रहे थे। पंडित जी ने रैदास जी को कहा क्या बताएं आपको, अब लालच तो बुरी बला है ना, आपने उस दिन वो दो केला दिए थे ना, हाँ उस दिन के तो बाद आप लौटे ही नहीं, हमने गंगा मैया को चढ़ाए और गंगा मैया ने आपके लिए कंगन दिया, वो कंगन मैंने आपको बताया नहीं, जौहरी को बेच दिया, वहां से सेठ को, सेठ से रानी को, राजा कहते दूसरा कंगन ला नहीं तो मार डालूंगा, कंगन कहां से लाऊं। तो रैदास जी अब आप एक कंगन दे दो। रैदास जी ने कहा भैया मैं तो जूता गांठने वाला, मेरे पास कहां से कंगन आया। बोले गंगा मैया ने दिया था। तो फिर ऐसा है रैदास जी, दो केले एक बार फिर दे दो। बोले क्या करोगे, बोले फिर गंगा मैया को चढ़ाऊंगा, गंगा मैया फिर कंगन दे देगी। रैदास जी ने कहा ऐसी बात है, गंगा माँ ने दिया था तो ऐसा मत सोचो कि केला चढ़ाने से ही गंगा मैया कंगन देगी। अरे पंडित जी मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो अब कंगन कैसे मिलेगा। बोले ठीक है। रैदास जी ने कहा गंगा मैया आज केला चढ़ाने को नहीं है, अपने बेटे को एक कंगन तो देना। जैसे ये कहा गंगा जी जाना नहीं पड़ा, अब तो कठौते से ही गंगा जी का हाथ निकल आया, कठौते से गंगा मैया का हाथ निकल आया और कंगन रैदास जी को दे दिया। रैदास जी ने पंडित जी को दे दिया। अब तो पंडित जी देखते रहे, अरे ये सही कहते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा। और तब तो वो कंगन ले लिए और उस कंगन को लेकर राजा के पास आए। राजा ने कहा सच सच बताइए। बोले झूठ नहीं बोलो, सारी बात बता दी। तब राजा कंगन को तो भूल गया पर नंगे पांव दौड़ते हुए रैदास जी के पास और चरणों में पड़ गया। महाराज मैं तो धन्य हो गया, मुझे भरोसा नहीं था कि एक जाति से मोची व्यक्ति पर भी भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं। तब रैदास जी ने कहा राजा राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ओ जो जान निहारा राम ही केवल
राजा साहब भगवान प्रेमी के प्यारे हैं, बस प्रेम करो तो बस में हो जाए। ऐसे रैदास जी मारा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब तो राजा भक्त हो गए राजा। जाते थे रैदास जी के पास दो चार पांच दिन में जब अवसर मिलता था। एक बार मन में आया राजा के कि मैंने सुना है रैदास जी बड़े चमत्कारी महात्मा हैं, उनकी पूजा सेवा के समय जाऊं और उनसे भजन करने की विधि सीख के आऊं, और उन पे कृपा हो सकती है तो हम पे क्यों नहीं। एक दिन राजा सवेरे सवेरे पहुंच गए। रैदास जी महाराज नेत्र बंद करके अपने ठाकुर का ध्यान कर रहे थे और ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। स्नान कराए तो चरणामृत तैयार हो जाता है। उसी समय राजा पहुंचे। रैदास जी के मन में राजा के प्रति दया आ गई और जान गए राजा क्यों आया है। इसलिए आया है कि मुझे भी भगवान का दर्शन हो जाए, मुझे भी कृपा हो जाए। अब राजा को तो पता नहीं रैदास जी भावना में डूबे हैं। जैसे राजा आया, अब रैदास जी मन में ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। राजा के आते ही रैदास जी ने अपने कठौते में हाथ डाला और जल हाथ में लेके बोले, लो राजा चरणामृत पियो। अब राजा ने हाथ में ले तो लिया, मन में सोचने लगे, हे भगवान, ये रैदास जी भगत कितने बन गए हो, बाकी मोची के मोची रह गए। अरे कठौते में हाथ डालकर जल दे रहे हैं और कह रहे चरणामृत, जिसमें चमड़ा भिगोते हैं उस पानी को चरणामृत बता रहे, पर क्या करूं, फेंक दूं क्या? तो फेंका तो नहीं, हाथ में लिया पिया भी नहीं। पीने का बहाना करते हुए उस जल को जो कोट पहना था उस कोट की बाह में ढरका दिया, नाटक करते हुए कि ये भी ना लगे अपमान किया और पीऊं भी ना। ऐसे किया हाथ और उसको बाजू में घेर लिया और उठ के चले आए। जिस बाजू में घेरा उस कोट की बाजू में उस जल का दाग पड़ गया। तब घर पे जाके राजा ने ओ वस्त्र उतार दिए, नए वस्त्र पहन लिए, धोबी को धोने के लिए वस्त्र दे दिया। अब धोबी जो राजा के कपड़े धोता था उसने उस वस्त्र को धोया, लेकिन वो जो बाजू में दाग पड़ा था वो छूट नहीं रहा था। बहुत कोशिश की, तब जैसे कोई ज्यादा जिद्दी दाग हो तो ज्यादा जोर लगाया जाता है, जोर लगाए नहीं छूटा। तब धोबी ने उस वस्त्र को हटा के उस दाग को अपने दांत से रगड़ा कि शायद छूट जाए दाग। दांत से रगड़ने लगा, जैसे दांत से रगड़ने लगा तो वो दाग तो उस रैदास जी के जल का पड़ा था और कुछ रस अभी बाकी होगा, तो कपड़े को दांत से रगड़ने पर कुछ रस उस धोबी के पेट में चला गया। और जैसे उस धोबी के पेट में रस गया, अरे धोबी का तो अंतःकरण निर्मल हो गया और भगवान का अनुभव होने लग गया और धोबी भुजा उठाकर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, गोविंदा 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 गोविंदा।
नाचने लगा, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। अब तो बेचारे घर वालों ने पकड़ लिया, पूरे गांव के लोग आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पता चला राजा का कपड़ा धो रहा था और वो कोई दाग था, छूट नहीं रहा था, उसको दांत से साफ कर रहा था। ये दशा हो गई, आंखों से आंसू बहते, भगवान नाम निकलता, क्या करें? अब तो सब लोग पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने देखा वो मेरा कपड़ा धोने वाला धोबी पागल की तरह नाच रहा है, कूद रहा है, रो रहा है। राजा ने कहा, भैया ये सब कैसे हुआ, ये क्या हुआ तुमको? अब वो बड़ी बड़ी लीला गा रहा था, कभी वृंदावन की लीला, कभी अयोध्या की लीला, कभी चित्रकूट की लीला गा रहा था। राजा ने कहा, अरे धोबी क्या हुआ? तब धोबी ने सब बात बता दी। महाराज मैं तो भगवान को जानता नहीं, कपड़ा धोते जिंदगी निकल गई, बस आपका वो जो कोट था उसकी बाजू में दाग लगा था, उसको साफ कर रहा था। अरे राजा ने कहा, वो कोट दिखाओ। अरे ये तो दाग उन रैदास जी के दिए जल का था, लगता है जो मेरे भाग की कृपा थी वो इस धोबी को मिल गई। तुरंत राजा भागे रैदास जी के पास, तुरंत भागे। रैदास जी बैठे थे, क्या हुआ महाराज इस समय? बोले, गुरु जी थोड़ा चरणामृत दे दो। रैदास जी ने कहा, राजा चरणामृत तो ये उस दिन था, आज तो वास्तव में ये कठौते का पानी रह गया, अब ये चरणामृत। चरणामृत तो उस दिन था, ये अब ये कठौते का पानी है चरणामृत। ऐसे रैदास जी महाराज। एक बार गोरखनाथ जी आए रैदास जी के यहाँ, जिन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, वो गोरखनाथ जी आए रैदास जी के यहाँ पहुंचे। अब रैदास जी के पहुंचे तो गर्मी का समय था, प्यास लग रही थी। रैदास जी से कहा, थोड़ा जल दे दीजिए। अब रैदास जी के घर में कोई और बर्तन था ही नहीं, वो कठौते ही था, तो रैदास जी ने उसी में से पात्र भरा और जल दे दिया गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी ने कहा, हे भगवान किससे पानी मांगा, इतनी भी अकल नहीं कि ये साफ बर्तन का पानी दे देते, पानी मांगा कठौते का पानी पीने को दे दिया, अब क्या करूं? अब सामने तो कहना ठीक नहीं, तब अपने खप्पर में जल तो डाल लिए, पिया नहीं, सोचे कबीर जी के घर पानी पियेंगे। कबीर दास जी रैदास जी समकालीन है, कबीर जी के पहुंचे, कबीर जी नहीं थे उस समय, उनकी बेटी थी, कबीर जी के दो संतान थी, कमाल और कमाली, तो बेटी थी उनकी, वो चाचा बोलती थी गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी आए, बेटी कबीर बाबा हैं? नहीं बाबा तो नहीं है। अरे बेटी जल तो पिला। ठीक है, जल लेके आई, गोरखनाथ जी को पिलाया, गोरखनाथ जी पिए। कमाली ने पूछा, गोरख चाचा कहाँ से आ रहे हैं आप? बोले, बेटी रैदास जी के यहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा, इतने प्यासे? बोले, हाँ तेरे रैदास चाचा के यहाँ गया था, जल मांगा तो कठौते का जल भर के दे दिया, अब है तो मोची ना, वो जाति का रंग कहाँ चला जाएगा। अच्छा, उन्होंने आपको कठौते का जल दे दिया? हाँ, कहाँ है वो? ये मेरे खप्पर में है, चाचा मुझे वो जल दे दोगे? हाँ दे दूंगा। खप्पर उसको दे दिए, एक सांस में कबीर जी की बेटी सारा जल पी। अब जैसे कबीर जी की बेटी ने जल पिया, जल पीते ही कबीर जी की बेटी को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया, अंतःकरण निर्मल हो गया। गोरखनाथ जी को पता नहीं, पता कब चला? जब कबीर जी की बेटी का ब्याह हो गया, कबीर जी की बेटी मुल्तान में ब्याही थी, मुल्तान में। गोरखनाथ जी एक बार अपने धर्म का प्रचार करने मुल्तान गए, शहर में घूम रहे थे, कहते थे कोई इस जोगी को भिक्षा करवा दो, कोई इस जोगी को भिक्षा करवा दो, पर कोई नहीं करवाता था, क्योंकि गोरखनाथ जी की शर्त थी, जो मेरा खप्पर भर देगा उसके यहाँ भोजन करूंगा। अब गोरखनाथ जी का चमत्कारी खप्पर था, वो भरता ही नहीं था किसी से, तो कोई उनको भिक्षा करवा नहीं पाता था। लेकिन गोरख जी को पता नहीं था, उसी शहर में कबीर जी की बेटी भी आई थी, उन्होंने अपने पति को कहा, अरे गोरख चाचा आए हैं, उनको बुलाइए, भोजन कराएंगे, महात्मा भूखा घूम रहा है। उनके पति ने कहा, जानती नहीं इन महात्मा को,
इनको खिलाना आसान नहीं है, पहले खप्पर भरवाते हैं और खप्पर कोई भर नहीं सकता इनका। कबीर जी की बेटी ने कहा बुला के तो लाओ, मैं भी सिद्ध बाप की बेटी हूं, भरूंगी इनका खप्पर। वो बुलाने गए तो गोरख जी आ गए, भिक्षा कराओ, भोजन तैयार है। गोरखनाथ जी ने कहा मेरी शर्त, पहले मेरा खप्पर भरो। बोले ठीक है, खप्पर रख दो। कमाली रसोई से एक चुटकी चावल लेके आई, एक चुटकी, और एक चुटकी चावल खप्पर में ढाले, खप्पर भर गए, जो 10-20 बोरी से भी नहीं भरता था। गौरख जी ने कहा बेटी तू कौन है, पर्दा हटाया, कौन है तू बेटी? कमाली निकल के आई, गोरख चाचा मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। अरे मैं कबीर दास की बेटी कमाली। अरे तू इतनी बड़ी हो गई, यहाँ कैसे? बोला यही मेरा विवाह हुआ है। अरे बेटी ये तुझे चमत्कार कहाँ से आया? गोरखनाथ का तो खप्पर कोई भर नहीं सकता। कमाली ने कहा चाचा ये सब तुम्हारी कृपा है। बोले कैसे? बोले उस दिन रैदास जी के गए थे ना, और कठौते का जल दिया था, वो आपने पिया नहीं, मुझे दे दिया, वह पीने के बाद मुझे सारी सिद्धि आ गई। गोरखनाथ जी ने कहा हे राम, मेरे भाग की कृपा तो ये लड़की ले गई। तब यात्रा छोड़ के वापिस काशी आए गोरखनाथ जी, तुरंत यात्रा छोड़ के। रैदास जी बैठे थे, रैदास जी ने कहा कैसे आना हुआ? बोले रैदास जी जरा कठौते का जल तो देना। रैदास जी ने कहा अच्छा। रैदास जी ने उस समय दोहा कहा, बहुत काम का दोहा। गोरखनाथ जी ने कहा जल तो देना। गोरख श्री रैदास जी ने कहा श्री गोरखनाथ जी प्याते थे तब पिया नहीं, पिला रहे थे तो पिया नहीं, प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। अब भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। जिन पिया पिया को जान लिया, जिन पिया पिया को जान लिया। ऐसे रैदास गोरखनाथ जी हाथ मलते रह गए। अब गोरखनाथ जी को भजन का उपदेश श्री रैदास जी महाराज। ऐसे हैं बंधुओं रैदास जी। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं का आनंद प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम
ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है।